तो फाइनली गाइस जिस चीज का मैं बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और वो ये नहीं है। बताओ सर। बस बढ़िया सर, ठीक है। और कहाँ? जयपुर से डायरेक्ट दिल्ली। जयपुर से डायरेक्ट दिल्ली, वो भी आपके पास केवल एक स्पेशली काम करवाने आए थे। चलो, जिसका आपने हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत ज्यादा अच्छा। तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छा। तो कैसे आपको पता चला सर हमारे बारे में? हमने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा था जिसके अंदर हमने आपको काफी देखा था और हमने बस एक ही चीज कहा था, हमें काम करवाना था, वो भी बेस्ट काम। एक होता है काम करके रखना और एक होता है खुद की गाड़ी समझ के काम करना। तो टाइम भी तो ये वो भैया है जिन्होंने अपनी गाड़ी समझ के खुद का काम किया और हमें सच में प्राउड होता है कि काफी अच्छी डिजाइन करी है एक गाड़ी को। और ये चीजें आप तो सिर्फ रैप के लिए आए थे, लेकिन हमारा सच में ये था कि हम केवल रैपिंग कराएंगे इसमें काफी। बट इसमें सर ने बताया कि आप ये टायर पे कराओ, अलॉयज ब्रेक कराओ और शीशे थोड़े 30% करो ताकि हमें पुलिस वालों की भी दिक्कत नहीं हो आगे की। सब कुछ इन्होंने बहुत हमें बहुत अच्छा। ये रैप आपने सर ऑडियंस को हम बताएं, ये रैप आपने ये कलर क्यों चूज किया? ये नाडो ग्रे एक्चुअली हमने देखा है, किसी ने काफी करवा रखा है बट हम उनका नाम नहीं लेंगे। बट नाडो ग्रे काफी अच्छा कलर है और हम चाहते हैं कि जयपुर में ऑल इन वन सबसे पहले हमारी गाड़ी रहे, तो ये गाड़ी अभी तक जयपुर के अंदर ऑल इन वन है नाडो ग्रे के अंदर। हाँ, थोड़ा अच्छा कलर है, मतलब डिफरेंट सा लगता है। नाडो ग्रे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑडियंस को बताना चाहूंगा, इसमें 3 से 4 कलर हमारे पास आते हैं, मतलब काफी शेड्स होते हैं इसके अंदर नाडो ग्रे के। हाँ, इसको सेटिन में चूज किया है क्योंकि सेटिन में मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सेटिन के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर शेडो वगैरह जो इसकी कर्व्स लाइन होती है, बॉडी लाइन होती है, वो शेडो निकल के आती है, तो उसमें काफी अच्छा लुक, एक प्रीमियम सा लुक निकल के आता है। ग्लॉसी में क्या है, उतना प्रीमियम जो शेडो है हाइलाइट्स दब जाते हैं उसके अंदर। फिर अपना अलॉय वगैरह का हमने ही किया था, इसमें अलॉय वगैरह का भी काफी अच्छा ब्लैक कॉम्बिनेशन इसके साथ हमने डुअल टोन में रखा है, इसको ग्रे में और ब्लैक में, जैसे कि हमारी बात हुई थी कुछ काफी चीजें। आपको इसमें क्या चीज, मतलब आप जो चीज देख के आप खुश हो गए कि हाँ ये चीज मैंने सोचा नहीं था और इतना अच्छा लुक निकल के आ गया? ये गाड़ी देख के मैं इतना खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मतलब भैया ने खुद गाड़ी कितनी मस्कुलर, और एक होता है हम थोड़ा पैसा बचाते हैं, बाद में हमें लगता है कि हमने क्यों वो पैसा बचाया, बट अगर आप थोड़ा पैसा लगा दोगे ना तो आप बोलोगे कि हमने वाकई में कुछ बनाई है। छोटी छोटी चीजें जैसे ये स्प्लिटर्स है फ्रंट में, स्प्लिटर्स है, टायर स्टिकर्स है, टायर स्टिकर्स वगैरह, लाइटें लगवाई है और अंदर डैशबोर्ड अगर आप देखोगे, अभी हम आपको डैशबोर्ड भी दिखाएंगे, पूरी लाइटिंग है, बहुत अच्छा लुक दिया है। हाँ, बहुत अच्छा। उसमें फ्रंट में हमने ग्रिल वगैरह को आप देखोगे नॉर्मल आती है, आप दिखा सकते हो पूरा, इसमें जो है हमने इसको ग्लॉसी में ब्लैक में कन्वर्ट किया है। और मुझे भी पर्सनली गाड़ी उम्मीद नहीं थी कि हमारी इतनी गाड़ी थोड़ी सी अच्छी बन जाएगी, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छी देखने को मिली। ये टायर स्टिकर मैं दिखाना चाहूंगा, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कस्टमाइज टायर स्टिकर है, कस्टमर, तो टायर स्टिकर से भी हमारा लुक बहुत अच्छा बन जाता है। बहुत छोटी चीज है, बहुत नॉमिनल चीज है, ये आप ही का सजेशन है, बाकी मैंने ये नहीं लगवाया था, ये भैया ने बोला था कि तुम एक तरीके से, मैं मेरी गाड़ी समझ के बोल रहा हूँ ये लगवाओ, और आज मैं लगवा के बोल रहा हूँ कि वाकई में बहुत अच्छी लग, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब अच्छा लग रहा है। पर्सनली गाड़ी बहुत अच्छी बनी है। और रियर से अगर मैं दिखाना चाहूँ कैमरामैन को, आज रियर से थोड़ा सा देखते हैं क्या इसमें कैसा लुक निकल गया है। ऑडियंस को हम थोड़ा रियर का लुक भी दिखा देते हैं। ये देखिए रियर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो रियर में ये सब भी हमने पूरा इसको ब्लैक में डुअल टोन में किया है, स्मोक किए, टेल लाइट्स, ये डिफ्यूज़र आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया, इससे भी गाड़ी पीछे से अगर आप देखेंगे सिनेमैटिक शॉट्स हम डालेंगे जिसमें हमें काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिलेगा कि गाड़ी का कितना अच्छा लुक निकल के आ रहा है। रियर से भी मुझे पर्सनली रियर से भी बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी। मुझे पता है जयपुर में ये गाड़ी देखने के बाद मुझे 50 लोग पूछने वाले हैं, 1 इन जयपुर बन जाएगी गाड़ी, मुझसे 50 लोग पूछने वाले हैं और 50 लोगों की गाड़ियां मैं यही चाहता हूं कि केवल इन भैया के गैरेज में आनी चाहिए, क्योंकि ये खुद की समझ के गाड़ी को तैयार करते हैं, ऐसे नहीं सोचते कस्टमर की गाड़ी है, ये खुद की समझ के गाड़ी को तैयार। आपने इसके सिनेमैटिक शॉट्स तो देखे ही सारे, बिल्कुल देखे, मैंने आपको बीच में वीडियो शेयर की, हर एक पार्ट खुल के प्रॉपर रैप्ड हुआ है, कई लोग होते हैं कहीं से भी आपको प्रॉपर फिट एंड फिनिश, आपको एक भी डस्ट का पार्टिकल इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए ये खुद की। चलो फिर ठीक है सर, फिर मिलते हैं कभी और। बिल्कुल सर, ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।